नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आज। इस वक्त खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं घटना स्थल, जहां की आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो यह सीधी तस्वीरें हम आपको शिवपुरी जिले से दिखा रहे हैं, जहां चिकित्सालय में मंगलवार की दोपहर टीवी वार्ड में एक मरीज को उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। आज दोपहर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना पर पुलिस सहित अस्पताल के अधीक्षक मौके पर पहुंच गए हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। मृतक की पहचान सुरेश साख के रूप में की गई है। सूत्रों की माने तो शिवपुरी जिला अस्पताल में इसे मंगलवार की दोपहर उपचार के लिए टीवी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां इसका उपचार चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा था। तभी आज दोपहर यह युवक खून से लथपथ वार्ड में बेड पर ही मिला, जिसके बाद चिकित्सकों ने इसका परीक्षण किया तो इसकी मौत हो चुकी थी। बताया गया है कि मरीज जिस पलंग में भर्ती था, वहीं किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसे मौत के घाट उतार दिया गया है। युवक की हत्या धारदार हथियार से की गई है। घटना के पीछे का कारण फिलहाल अभी पता नहीं चला है। घटना स्थल पर जांच अधिकारी और पुलिस टीम पहुंच गई है, मामले की जांच की जा रही है। तो यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं शिवपुरी जिले से, जहां जिला चिकित्सालय में उपचार कराने भर्ती हुए युवक की अस्पताल के अंदर ही वार्ड में हत्या कर दी गई है। मेडिकल वार्ड में एक मृत व्यक्ति पाया गया था, उसकी सूचना पुलिस को दी गई है, तो उसको पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर, किस चीज़ का मरीज पेशेंट था? सर, पेशेंट किस चीज़ का? सांस में तकलीफ थी, उसके कारण भर्ती हुआ था। क्या कोई संदिग्ध अवस्था है? ब्लड वगैरह निकला हुआ है? पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के बाद बताते हैं।